के अंदर ले कहां रिलीज थे और चाहे वो लेबर रिलेटेड इश्यूज हो फेसबुक वो कमर्शियल एस्पेक्ट हो जैसे उनसे पहले सर के एक्सप्लेन कर रहे थे कि वहां पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स लेबर के बहुत सारे ऐसे लॉज वगैरह जो कि ईज जो है वो प्रोवाइड की जाती है वर्कर्स को हमारे कोर्टों में थ्रूआउट जो सिस्टम हम भी देखते आए हैं उसमें भी बहुत बैकलॉग है उस बैकलॉग की वजह से एक बहुत मुख्तसर सा केस भी एक काफ़ी नंबर ऑफ ईयर्स ले जाता है अब बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं जो कि काम कर रहे हैं उनके कोई इतने बड़े डिस्प्यूट्स होते नहीं मगर उन डिस्प्यूट्स के लिए आम एक जैसे आप जिससे हमारे कि यहाँ पे एक चीज़ फाइल करने के लिए चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं कि एक केस सिर्फ एडमिट हो कोर्ट के अंदर उसकी आपको पूरी इनेक्सचर बनाना पड़ता है चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं एविडेंशियल मैटर डालने पड़ते हैं लॉ का सारा रेफरेंस देना पड़ता है सबसे बड़ी चीज़ एक वकील को हायर करना पड़ता है जो कि आपको किसी सस्ते दाम आजकल के ज़माने में तो शायद ही नहीं प्रोग्रेस करते हुए जिला पंचायत का सिस्टम हमारे यहाँ पे पंचायत में हमेशा से मौजूद रहा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के जरिए जो कि मीडिएशन का है जब वो इंट्रोड्यूस कराया गया तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है जो कि ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में इसके लिए होती है कि समझा जाता है कि वो सिस्टम जो कि वहाँ से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस व्हाट द लेटर ऑनवर्ड्स हैपेंड वाज कि यहाँ पे उसकी जितनी इंडक्शन कराई गई फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे उस पर कोई खातिर खा कोर्ट्स ने बताते खुद 2007 में सलीम साहब यहाँ पे उन्होंने ये बहुत ज़्यादा एक एरिया देखा जिसके अंदर स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई थी वो रुके हुए थे वो बाहर नहीं जा पा रही थी उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो अटकी हुई थी कोर्ट केसेस चल रहे थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ये जिसका ब्रोशर आप सबके सामने रखा गया है नेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो था वो फोकस करता था प्राइमरी क्रिमिनल के अलावा हर नौयत के केसेस में अब उसकी सबसे बड़ी जो एक बात जब आहिस्ता आहिस्ता करके ये कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हुआ तो कुछ लोगों के दरमियान इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हुई वजह ये थी कि इसके अंदर जो मीडिएटर का कॉन्सेप्ट है वो बजाते खुद एक सालिस का कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत अरसे से रहा है जो कि हमारा मजहब भी बहुत ओपनली प्रोपगेट करता है और कहता है कि सुलह कराओ लोगों के दरमियान उसकी जो अफजल है और बहुत सारी चीज़ों से बहुत अफजल कराती है उसके बरक्स कोर्टों के अंदर सीपीसी के अंदर तरामीम हुई और सीपीसी के अंदर तरामीम के बाद ही इस चीज़ को थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है एक साहब अभी थोड़ी देर पहले ही पूछ रहे थे कि अगर आप आ जाएं तो आपको वैसे तो यही समझ होती है कि शायद हम या कोई भी ऐसी चीज़ के अंदर जा नहीं सकते मगर अब ऐसी बात नहीं है 89A का प्रोविजन जो है वो आप इस रूप में मौजूद है 89A के तहत कोई भी आदमी कोर्ट से इस्तदा कर सकता है कि मुझे मीडिएशन के लिए जाना है हमारा इंस्टीट्यूशन है उसके अलावा और बहुत सारे इंडिपेंडेंट लॉयर्स ने भी स्टार्ट किया कि हमारे MOU जैसे मैंने शुरू में बोला दो कोर्ट्स के साथ एक सुप्रीम कोर्ट के साथ और एक हाईकोर्ट ऑफ सिंध के साथ बढ़ा तो इसमें थोड़ी सी आसानी हो गई उसके साथ साथ आजकल जो है बहुत सारे और जैसे जुडिशियल कमिटीज़ हैं यहाँ पे जिन्होंने स्टार्ट किया उसमें फ़ायदा ये हुआ कि स्पेशली जो लोग FBR रिलेटेड लेबर रिलेटेड और जैसे जिनको ट्राइब्यूनल्स के अंदर जैसे नेशनल बैंक के बड़े इदारे जिनके पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं एक एक तरह से नेशनल काम करते हैं वो लोग तो उनके लिए जो उनके अंदर ये डिलेज को आप आसानी से लेके आ सकते थे और नेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर आप इसको आगे लेके जा सकते थे जब तक ये कोई रेजोल्यूशन बीच हो सकता अच्छा जहाँ तक रही बात रेजोल्यूशन बीच करने की तो बैठता है और तकरीबन एक दिन के अंदर
वो सेटलमेंट पे उसके बाद कोर्ट में भिजवाया गया, कोर्ट में भिजवाया गया, उसको डिग्री इशू हो गई थी बिकॉज उन्होंने 89A के तहत। अब कुछ लोग में जाके नहीं आते, वो इंडिपेंडेंटली आते हैं इदारे। तो 2019 में मुनीम अख्तर साहब एक यहाँ पे सिंध हाईकोर्ट के अंदर, जिन्होंने अपने एक फैसले के अंदर मीडिएशन को असर बनाया, यानी पहले बोला कि आप इसको एग्जॉस्ट कीजिए, उसको एग्जॉस्ट करने के बाद आप कोर्ट। तो 2019 के अंदर जब उनका ये फैसला आया तो उन्होंने बोला कि जी आप मीडिएशन से रिलेटेड जितनी आप उनके पास जाइए, उनसे आप रुजू कीजिए और अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद आप कोर्टों के पास जाए। अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो उसके अंदर जो मीडिएटर है वो सेलेक्ट इदारा करता है, मगर अगर पार्टी सेलेक्ट कर सकती है। ये एक चीज़ उन्होंने अपने उस जजमेंट के अंदर बड़ा क्लैरिफाई कर दिया कि क्योंकि सालिसी का जो पूरा अमल है वो एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल अमल होता है, एविडेंस जो पेश होती है वो कोर्ट के अंदर भी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती जब तक किसी को बुला के सालिस को अपने कोर्ट में पूछना है। कि उसके अंदर आपको एक बड़ी अच्छी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो चीज़ मैं बताऊँगा वो यही इस कवर ही रहेगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। जो चीज़ जिसके ऊपर हम सेटलमेंट रीच करेंगे वो हिस्सा है वो ही बता देगा और ये चीज़ कहीं आगे स्प्रेड नहीं। तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी का जो एस्पेक्ट है पूरा इसके अंदर वो काफ़ी अच्छे तरीके से सालिसी के मीडिएशन के अमल के अंदर कवर किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बिल्कुल रिसेंटली जो है वो कवानीन में कुछ तरामीम किए गए हैं जिनके अंदर अब मीडिएशन कमेटी होती है, जैसे SECP है, जैसे आपका NCDR है, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपने लॉ के अंदर अब मीडिएशन को इंक्लूड कर दिया। ये सारी ADR टेक्निक्स जो हैं, हो गया मीडिएशन, हो गया इवन आर्बिट्रेशन में, आर्बिट्रेशन का सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि वो 1940 हमारे इस सिस्टम के अंदर उसकी हर चीज बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं। ये क्योंकि कदरन एक नया कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत आसानी के साथ लोगों के ऊपर ये डाला गया कि वो किस तरीके से अपनी उसके अंदर लेके आए और अपने जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करें। तो ये कॉन्सेप्ट को नेशनल असेंबली जो कि इस्लामाबाद से डील करती है और स्पेसिफिक एरिया से, उन्होंने एक इस्लाम स्पेसिफिक बिल्कुल 2020 के अंदर 2019 के अंदर सॉरी एक लॉ निकाला जिसको उस मीडिएशन एक्ट के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन के लिए रख दिया कि कंपलसरी होगा लोगों के लिए कि पहले आप मीडिएशन को एग्जॉस्ट करें, चाहे वो किसी भी नौइयत का केस हो। इवन वो क्योंकि इस्लाम के अंदर है और सालिसी इवन क्रिमिनल केसेस के अंदर भी जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं उसके अंदर भी ऑफर की जाती है, उन्होंने हर सिविल और कमर्शियल नेचर के केसेस के लिए इंक्लूडिंग लेबर इंक्लूडिंग टैक्स के लिए उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा दिया और बोला कि जी आप आइए और इसको रिजॉल्व कीजिए एक्रेडिटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर हैं उनके थ्रू, और फिर उसके बाद अगर ना रिजॉल्व हो कोर्ट इट इज़ अ राइट दैट इज इनेटली देयर फॉर एवरी पर्सन। मसला वक्त की कदर हमारे अनफॉर्चुनेटली कौम के अंदर इतनी ज़्यादा कभी हो सकती, इस वजह से लोग बहुत सारे जो है प्रेफर करते हैं कि हम कोर्ट जाएं। आधे से ज़्यादा अगर आप केसेस जो कोर्ट में फाइल होते हैं अगर आप कभी उसको रिव्यू करें तो आपको पता चलेगा कि अना यानी एक जीवो का एस्पेक्ट जो है वो है। लोग चाहते हैं कि जी किसी ने अगर कोई उनको ट्रांसलेट किया, चाहे इम्प्लॉयज़ हो चाहे एम्प्लॉयर्स हो, किसी ने आपकी लैंड के ऊपर आके किया तो बजाय कि उससे बात करें आप सबसे पहली बात ये करते हैं कि पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट कराएं, पर्चा कटवाएं और फिर उसके बाद डिस्प्यूट वहाँ पे किसी तरीके से खड़ा करें।
या फिर यहाँ पे राइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो कि 20 साल से अगर लेता हूँ चीज़ें हैं लॉ के अंदर जो कि बाजार को खुद टूल देती हैं इस तरह की बातों को कि अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को ड्राइव करें। अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें जो है ज़ाया करती हैं वक्त, और वक्त इंसान वजह इसलिए कि उसको बहुत कुछ अचीव करना होता है, उस अचीवमेंट के अंदर वो ये और तरीके होते हैं जो कि एक इंसान पे जेब ज़्यादा देते हैं जिसमें वो बात करके अपने किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए सीधी बात जो है वो ये आए तो सबसे पहले वो इंटरैक्ट कर सके एंड सो मच सो टू द इफेक्ट अपॉन कोई डिसीजन नहीं करता है आर्बिट्रेटर या जज की तरह, उसको कोई मैंडेट नहीं है कि वो आपको बताए आपने क्या करना है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो चैनलाइज करता है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को। उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत सारे फैमिली रिलेटेड इशूज भी आए सेक्टर के अंदर, लैंड रिलेटेड का आए बहुत सारे, और इसके अंदर हर आदमी अपने लॉयर को लेके आया, उससे प्रोग्रेस करने की कोशिश की, सब लीगल चला। इसके अंदर बेसिकली सिवाय दो तीन चीज़ें जो एसेंशियल्स थी, दो फैमिली मेम्बर्स क्यों क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, तो एसेंशियल पार्ट सिर्फ कम्युनिकेशन का गैप। जब उन्होंने बात किया और पता करने की कोशिश की तो ना इंक्रोच, मैं आपको एक छोटी सी सही देते हो चीज़ को मैं पूरी नहीं बता रहा हूँ, मगर उनके एक केस का एक तरह से आपको लिटमस टेस्ट जो है वो बयान करूँ कि ना तो इंक्रोचमेंट थी और ना उनके फर्क सिर्फ इतना था कि एक साहब जिन्होंने ये कोर्ट में केस दाखिल किया अपने पड़ोसी के खिलाफ में, उनके जो उन्होंने एक जमाने में एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन दिया था कि जो साथ वाले पड़ोसी हैं वो लोन अमाउंट पे हो चुकी 100% से पे नहीं हुई, सिर्फ उस बात पे उन्होंने जाके उनके ऊपर केस किया, बोला कि जी इस लैंड के अंदर तो मेरा ओनरशिप है बिकॉज मॉनिटरी जो कंसिडरेशन दी गई थी वो मेरी तरफ से। अब ये तो लीगल एक है बहस, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें अपने ही आ सकती हैं कि मॉनिटरी कंसिडरेशन कभी यानी कानून के अंदर तो उसका है एक समझ लो उसकी बड़ी वर्थ होती है, मगर जब वो सालिसी के अमल के उन्होंने बैठ के बात किया, इट वाज नथिंग मोर देन जस्ट समथिंग व्हिच ही हैड नो आइडिया। कभी ये पता नहीं था कि उनकी जो बड़े भाई की फैमिली है उनको पैसे जो दिए गए थे उन्होंने उतनी अमाउंट एक्सेप्ट करके फॉरगो कर दी। तो अब जो कम्युनिकेशन का गैप था, 5 साल इन साहब के कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट में उन्होंने फाइल किया था, 5 साल सिर्फ यही डिटरमिन करना इशू जो था वो कभी जो उनके दिमाग में था वो एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं और लोगों के अंदर अमन ये शऊर होता है, मगर वो जब कोई चीज़ परस्यू करने जा वो ये भूल जाते हैं कि इसके पसंद मंजर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर इंसान अगर बात के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग एक चीज़ डेवलप हो जाए जिससे कहीं ज़्यादा अगर आप देखिए आम शहर में भी आप अगर कोई चीज़ देने जाते हैं आप किसी को तो आप बार्गेनिंग करने के लिए भी एक कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करता है कि जी भैया मैं 5 रुपये कम कर दूंगा या मैं 5 रुपये घर पर, तो उसने एरी चोटी का जोर लगा लेना है आपको घसीटने के लिए और आपकी यानी हर तरह से मुश्किल पैदा करने के लिए कि अब आप आइए कोर्ट और आप भूखिए कि जो वो सोच। तो अमन इसके अंदर एक बड़ी कॉन्सेप्ट बिहाइंड जिरगा पंचायत और ये सारी चीज़ें हमारे हुई हैं कि अगर आप कुछ इसी अमल में आप सालिस इसी अमल में आप जो गाँव या देहात के बुजुर्ग होते हैं उनको जब आप रखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को वो आयरन आउट कर देते हैं। उस चीज़ों को आयरन आपको सिर्फ और सिर्फ यही अमल चाहिए होता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है जिसके तहत क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली है क्या। बहुत सारे लोगों को अमन अपने कॉन्फ्लिक्ट जिसके लिए वो चाहते हैं कोर्ट या जिसके लिए
वो नाराज या नादा होते हैं अगले आदमी के साथ, उनको कभी पता ही नहीं होता कि कॉन्फ्लिक्ट एक्शन। अब इसके अगर आगे बढ़े तो जी उसके साथ साथ दो चीजें हैं कोर्ट के सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा क्लियरली अब इन लेजिस्लेशन की बात हुई। एक तो ये कि जो आदमी इंडिपेंडेंटली आता है इदारों के पास अप्रोच करता है, उनको एक सालिस के सेटलमेंट एग्रीमेंट के साथ साथ जब वो सालिसी अमल कम्प्लीट हो जाए वो सबमिट कराता है इदारे से वो कर रहा हूँ। अभी तक तो अल्लाह के शुक्र है हमारे पास कोई उसका ऐसा रिग्रेशन आया नहीं, मगर ये बिल्कुल एक चीज़ हमारे कानून में नहीं कि अगर इंडिपेंडेंटली कोई आदमी इदारे के पास आए और अगर कोई एक आदमी या अपने जो उसने सेटलमेंट के अंदर जो चीज़ बीच की है टर्म उससे अगर बैक ट्रैक कर दें तो क्या आपके पास कोई चीज़। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जवाब जो है वो कुछ हम लोग खुद ही ट्राई करते हैं, खुद ही कोशिश करते हैं, और अगर कोई आदमी अगर कोर्ट चला जाता है तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट बना के हम लोग को जो आदमी डिफेंड करने जा रहा है मगर जिसने मीडिएशन के अमल में पार्टिसिपेट किया होता है उसके लिए हम ये चीज़ कोर्ट में सबमिट करा देते हैं, पार्ट ऑफ एविडेंस बना देते हैं कि जी इन्होंने मीडिएशन को एग्जॉस्ट किया था, इसी तरफ से खुलूस नियति थी किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। अगर ये चीज़ को करती है तो फिर ऑफकोर्स जजेस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये जो रिपोर्ट उनके सामने उसको बतौर एविडेंस को ले आना, इसमें इदारा या कोई भी और चाहे वो इंडिपेंडेंट मीडिया का इसी हद तक एक लिमिट है, इससे ज़्यादा उसकी इन्फोर्समेंट जो है क्योंकि कानून के अंदर नहीं प्रोवाइड की गई तो उससे ज़्यादा उसकी इन्फोर्समेंट नहीं होती। इस चीज़ के साथ अगर आप ये देखिए कि जैसे इंटरनेशनल हमारे पास कुछ तो उसके अंदर ये कोलैबोरेटिव वर्क ये जो एक कॉन्सेप्ट अब आजकल बहुत ज़्यादा आया है कि आप यहाँ पे अगर कोई ऐसा अमल तो उसकी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बाहर भी हो जाती है, ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का आप मुझे पता है तो अमन कंट्रीज़ के दरमियान एमएनएज होते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ऐसे मुसवरे साइन होते हैं जिससे होता ही है कि हमारी कोर्ट जो कि ब्रिटिश कोर्ट से तो उनके फैसले बाहर की कोर्ट्स के अंदर और कुछ बाहर की कोर्टों के फैसले यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो यहाँ लाया जाता है और उनको डिग्री ऑफ कोर्ट बनाया जाता है। उसके लिए अब बहुत सारे जिनके अंदर ये और हमारे मीडिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है तो उन्होंने इदारों के साथ मिल के इसी तरह की एक वैसे प्रॉपर अरेंजमेंट की है कि वहाँ के जो सालिसी के थ्रू रीच किया गया सेटलमेंट है उसको आप पाकिस्तान में भी ला के अचीव कर सकते। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो कि यहाँ पे टॉपिक जो था वो था एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर रिलेटेड और उस वगैरह के अंदर जो है हम लोग ज़्यादातर हमारी फर्म जो है काफ़ी लेबर की केसेस बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है मगर उनके अंदर एक लॉजिस्टिक्स और बाजार तक एक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी तरह लैक करती है जो कि हाईकोर्ट के अंदर होती है। आपके जो जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके तहत आप लेके जाते हैं जिनको आप अगर एक इंडस्ट्री यूनिट के अंदर हों और लोग उसको चैलेंज करें और आप जब जाते हैं तो वहाँ के जो लेबर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं अमन उनका एक बड़ा स्पेसिफिक माइंडसेट होता है। उस स्पेसिफिक माइंडसेट के अंदर हमने जितना देखा वो ये है कि वो बहुत कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं, वो कुछ कवानी के अंदर अभी सिंध के अंदर 2021 के अंदर एक बिल टेबल हुआ था जो कि हमने इनिशिएट बहुत पहले कराया था हमारे NCDR जिसके अंदर रिकन्सिलिएशन जो है ये लेबर के कवानी के अंदर
के कानून साजी का प्रोसेस बाजार को इतना स्लो है कि उसको मंजूर किया था रब की जात की जानती है कितना और टाइम है, मगर उसके जो कुछ सेलियंट फीचर्स थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जब वो सबमिट कराया गया था तो उसके अंदर हमने कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट की कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एक अच्छी एक साइजेबल प्रोडक्शन है उसके अंदर एक नंबर ऑफ एक्टिव वर्कर्स हैं, कंसीलिएटरी जो एक्सरसाइजेज हैं या मीडिएशन की एक्सरसाइज